के लिए टफ मिशन। हरीफ हैं क्रिकेटर्स ऑफ कैरिबियन। कौमी टीम के दौर आए वेस्ट इंडीज का पहला T20 आज खेला जा रहा है। टीम्स ब्रिज टाउन के मैदान में मध्य मुकाबल। मैच आधे घंटे में शुरू होगा। कौमी टीम आलमी चैंपियन को उसके घर पर पछाड़ने के लिए पुराजी। बाहरी मुकाबलों में ग्रीन शर्ट का पलड़ा भारी। जरदारी सबसे यारी। आसिफ जरदारी ने जालों को नया नारा दे दिया। साबिक सदर की पंजाब में भरपूर सियासी सरगर्मियां। लाहौर में इजलास। कारकुनों ने वालेहाना इस्तकबाल किया। आसिफ जरदारी बोले, पीपल्स पार्टी ने आरओ इलेक्शन में शिकस्त खाई, अब हथकड़ियां नहीं लगी, हाथ खुले हैं, इलेक्शन में लग पता जाएगा। पीपल्स पार्टी का हैदराबाद में सियासी ताकत का मुजाहिरा। शर्जील मेमन की दो साल बाद हलके में आमद पर बड़ा जलसा। कारकुनों का वालेहाना इस्तकबाल। साबिक वजीर को सोने के दो ताज पहनाए। शर्जील मेमन कहते हैं, हुक्मरानों ने सस्ती रोटी, नीली टैक्सी, लैपटॉप में अरबों कमाए। नवाज शरीफ और इसहाक डार के नाम ECL में शामिल होने चाहिए। करप्शन करने वाले चौधरी निसार से खाइफ हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं, शर्जील मेमन शोर मचाने से चोरी नहीं छुपा सकते, वो चौधरी निसार के एहतसाब से नहीं बचेंगे। आबिद शेर अली बोले कि शर्जील मेमन सबसे बड़े डाकू हैं, जरदारी टोले को ड्राई क्लीन हम करेंगे। मैच फिक्सिंग का सबसे पहले इमरान खान की किताब से पता चला। नए खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरानों के वही पुराने अंदाज। वजीर आला परवेज खटक का हेलीकॉप्टर उतरने के बाद सैबटाबाद के ग्राउंड में क्रिकेट ट्रायल्स रोक दिए गए। लड़कों को कई घंटे इंतजार कराया गया। परवेज खटक मुशीर इत्तला मुश्ताक गनी की वालिदा की ताज़ियत के लिए पहुंचे थे। मौसम बदलते ही महंगाई के तेवर भी बदल गए। होशुबा महंगाई ने शहरियों को शिकंजे में कस लिया। मुर्गी की कीमत को पन लग गए, सब्जी के नर्ख लाल हो गए। बायलर गोश्त की कीमत में एक माह में 100 रुपए का इजाफा। लाहौर में कीमत 280, कराची में 350 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। टमाटर की कीमत 180 रुपए फी किलो। ये सब प्राइवेट फॉर्म के हैं और इसमें CDA के लोगों को शेयर्स मौजूद। जो नए मेयर साहब बने वो कहते हैं, मैं क्या करूं, मोटरें ख़राब हैं जिन पे 5 करोड़ का खर्चा है, सुबह 4 बजे से आकर लाइन में लगना पड़ता है। शहर इकतदार पानी की बूंद बूंद को तरसने लगा। वफाकी दारुल हुकूमत में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आम आबादियों के साथ साथ पोश सेक्टर्स के मकीनों को भी शदीद मुश्किलात का सामना। CDA सारा इल्जाम डैमो पर धरकर बरी जिम्मा होने की कोशिशों में मसरूफ। रावलपिंडी में पतंग की डोर ने कमसिन बच्चे की जिंदगी की डोर काट दी। 4 साल उम्र में हबीबा दादा के साथ कब्रिस्तान से मोटरसाइकिल पर वापस आ रही थी कि डोर की जद में आ गई। शहर में एक माह के दौरान 3 अफराद डोर की वजह से जान गंवा चुके। इंतजामिया पतंगबाजी रोकने में नाकाम। का मसला अल्लाह की तरफ से आया। दुआ है सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुखरू हो। अवाम की भलाई के लिए 1122 बनाया। शहबाज शरीफ ने उसे बदनाम करने के लिए मोबाइल अस्पताल शुरू कर दिया। परवेज इलाही का मुल्तान में खिताब। जलसे में कारकुन खाने पर टूट पड़े। बिरयानी कोरमा और सलाद पर 2 नहीं 4 हाथ साफ किए। बनीगाला में करक के PTI कारकुनों का MNA और MPA के खिलाफ एहतजाज। इमरान खान कहते हैं, गुज़िश्ता इंतखाबात में तवज्जो से टिकट नहीं दे सके, आइंदा अहलियत देकर टिकट देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब के निज़ाम में बेहतरी नहीं ला सके। मैरियट होटल और श्रीलंकन टीम पर हमलों में मुलव्वस दहशतगर्द अफगानिस्तान में मारा गया। अमरीका ने कारी यासीन की पत्रिका में ड्रोन हमले में मौत की तस्दीक कर दी। उधर पाकिस्तान भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी। FC ने दश्त में बारूदी सुरंग का हमला नाकाम बना दिया। मर्दमशुमारी टीम और सिक्योरिटी फोर्सेस निशाने पर थी। दूसरी बीवी के घर ज्यादा वक्त क्यों गुजारते हो। कराची में खातून ने शोहर को गोली मार दी। गुलशन हदीद में फायरिंग के नतीजे में शोहर शेर अली जख्मी।
मुलजिमा गिरफ्तार, असलहा बरामद। उधर जंग के नवाही इलाके में शोहर ने नई नवेली दुल्हन को गला दबाकर मार डाला। 16 साल लड़की की एक माह कबल शादी हुई थी। भारत में सूबाई असेंबली की नशस्त पर जिमनी इलेक्शन, वोटों की गिनती जारी। JUI पश्तूनख्वा मैप और PTI में सख्त मुकाबला। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और JUI के कारकुनान में तसादुम के बाइस इलाके में सूरत हाल कशीदा। शरीफाबाद में खवातीन पोलिंग स्टेशन पर पथराव से 3 अफराद जख्मी। कराची में पख्तून नौजवानों की अपनी सकाफत से मोहब्बत के इजहार के लिए रैली। प्रेस क्लब के बाहर रैली में बड़ी तादाद में लोग शरीक। नौजवानों ने पख्तूनों का रिवायती रक्स भी पेश किया। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का समंदर में बड़ा ऑपरेशन। पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी पर 100 से ज्यादा भारतीय माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया। 19 कश्तियां कब्जे में ले ली गयी। उधर श्रीलंकन नेवी ने भी हदूद की खिलाफ वर्जी पर 12 भारतीय मछेरे कश्तियों समेत पकड़ लिए। हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ माधुलाल हुसैन का उर्स तकरीबात दूसरे दिन भी जारी रही। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए जायरीन और अकीदतमंदों की दरबार पर हाजिरी। दुरूद व सलाम का नजराना, नजर न्याज का सिलसिला जारी। उलमा ने महाफिल में औलियाए कराम के रोशन किरदार और खिदमात पर रोशनी डाली। अमरीका में ट्रंप के हामियों और मुखालिफों में खलीज बढ़ गई। कैलिफोर्निया में अमरीकी सदर के हामी और मुखालिफ आमने सामने। ट्रंप की हिमायत में निकाली गई रैली के शुरका पर मुखालिफों ने मिर्चों का स्प्रे कर दिया। झड़प के बाद 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। और कनाडा में सालाना टफ मड रेस, मिट्टी कीचड़ और रुकावटों को उबूर करने के दिलचस्प मुकाबले में सैकड़ों अफराद ने हिस्सा लिया। शुरका तालाबों, ठंडे पानी से भरी सुरंगों और खारदार तारों से गुजरकर खुद को मजबूत तरीन साबित करने की कोशिश में मसरूफ नजर आए।